वे डॉक्टर, तेरे पैरासिटामोल की वजह से मेरी बीवी मर गई। क्या हुआ है इसको? अरे इसने कुत्ते का बिस्किट खा दिया तो कुत्ते ने इसको काट दिया। सबसे कुत्ते ने से सीरियस केस है। संभालो संभालो। एक काम करो, आपके घर में कुत्ता है? हाँ। तो कुत्ता सुबह को हंकता होगा? हाँ। तो रोज सुबह इसको कुत्ते की पॉटी खिलाना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कोई रास्ता ही नहीं है, इसको तो पॉटी खिलाना सुबह को। ले जा इसको, ले जा इसको, जल्दी ले जा। क्या प्रॉब्लम है आपको? एक मिनट डॉक्टर साहब, थोड़ी सेल्फी ले लूं। हैशटैग बीमार, हैशटैग डॉक्टर के पास, ओए माँ, हैशटैग प्रे फॉर मी। ये डन हो गई पोस्ट। सॉरी डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा वेट करवाया, पर मुझे ना ये पोस्ट डालना बहुत जरूरी था, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स बहुत मैसेजेस करते। ठीक है, बोलिए क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे नाक में बहुत दर्द है, देखिए ना, सूज गया है। अरे रे, क्या लगा आपको इधर? वो डॉक्टर साहब, मैं भी जोमेटो वाले से लड़ रही थी कि फ्री में खाना दो, उस कमीने ने मेरी नाक तोड़ दी। ठीक है रुकिए, मुझे चेक करने दीजिए। ओ माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपकी नाक तो बिल्कुल खराब हो गई है, आपकी नाक बदलनी पड़ेगी। क्या, ये क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? मुझे अपनी नाक बहुत प्यारी है, मैं नहीं बदलने वाले वाली अपनी नाक। देखिए आपकी नाक फ्री का खाना सूंघते सूंघते आपके हाथों से निकल चुकी है। क्या, नाक कैसे हाथ से निकलती है? देखिए जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ से निकल जाते हैं ना, उसी तरह आपकी नाक भी हाथ से निकल चुकी है, अभी आपके हाथ नहीं लगने वाले। oh, no! अब ये नाक आप लेके घूमोगी तो और पिटते रहोगी, क्योंकि आपकी नाक को फ्री का खाना सूंघने की आदत पड़ चुकी है। आज तो जोमेटो वाले ने आपकी नाक तोड़ी है, कल को आप फ्री के खाने के चक्कर में किसी भिखारी का खाना छीनोगी तो हो सकता है वो भी आपको मारे। ये कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, मैं किसी भिखारी से खाना क्यों छीनूंगी? आप नहीं छीनोगी, लेकिन आपकी नाक आपसे जरूर छिनवाएगी। ओ माय गॉड डॉक्टर साहब, अब मैं क्या करूंगी? देखिए घबराइए मत, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरज? अब ये धीरज कहाँ से मिलेगा मुझको? आप भी बुला के दीजिए ना, तो मैं रख लेती हूँ अपने पास। धीरज रखिए मतलब सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। किसी इज्जतदार और शरीफ इंसान की नाक ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी आपको, जिसको फ्री का खाना सूंघने की आदत ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा कितना आएगा? खर्चा तो लगभग आपका करीब 6-6.5 लाख रुपए का आएगा। डॉक्टर साहब कोई सस्ती नाक नहीं मिलेगी क्या? देखिए सस्ती नाक तो मिल जाएगी, लेकिन आपको जानवर की नाक से काम चलाना पड़ेगा, और आपकी शक्ल देख करके लगता है आपके पास सिर्फ भैंस की नाक ही सूट करेगी। डॉक्टर साहब, मैं नहीं कराती आपसे इलाज। बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, और यहाँ बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। डॉक्टर साहब क्या कर रही है? अरे सॉरी सॉरी, आजकल क्या ट्रेंडिंग चीजों ने बड़ा दिमाग खराब करके रखा है। बताइए, मेरी बीवी का चेकअप कीजिए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है इसने, इसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। अरे इनको तो पहले तो इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। नहीं इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो गई, ठीक हो गई। अरे देखिए इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, मैंने बोली ना इंजेक्शन नहीं। अरे आप ही समझाइए इसको, देखिए इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं लगाऊंगी मैं इंजेक्शन, बोली ना नहीं लगाऊंगी। ये पागल हो रहा है, तेरे को जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अपने पति को गिराते है क्या? नहीं 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 लगाऊंगी इंजेक्शन, बोली ना नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। अरे रो क्यों रही हो आप, छोटा सा ही तो इंजेक्शन है, लग जाएगा। अपनी मम्मी की कसम खाओ डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन नहीं लगाओगे। मेरी मम्मी की कसम नहीं लगाओगे इंजेक्शन, आप इधर आ जाओ। क्या खाओगे? समोसा पिज्जा।
पिछली बार तुम्हारे लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक अपनी बदबू से बेहोश कर दिया था, तुम क्यों आई हो इधर? क्या करूं डॉक्टर साहब, एक आप ही तो है इस दुनिया में सस्ते डॉक्टर। क्या कहा? मतलब एक आप ही तो है सबसे अच्छे डॉक्टर इस दुनिया में। ओह नो। बोलो क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब मेरे लड़के ने एक फेविकोल का डब्बा खा लिया। एक से क्या होगा, उसको बोलो ना 10-20 खा ले। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब ये? एक तो मेरा लड़का सुबह से कमोड़ से चिपक के निकल ही नहीं रहा है और आपको मजाक सोच रहे हैं। ठीक है कुछ करते हैं। झुमके तो छेनिया थोड़ी लाओ। हाँ डॉक्टर साहब अभी लाया। मम्मी मैं हूँ ना, अपनी नाक बंद कर दो। अभी नहीं कर देता हूँ इसको। ओह नो। नहीं नहीं छेनिया थोड़ी मत लाओ, मिस्त्री को बुलाओ। जुगनू नहीं डॉक्टर, जुगनू मैं हूँ। बोलो मिस्त्री बुला रहे, मिस्त्री हम आए हैं। हम और कौन आया है? हम आए हैं और कौन आएगा? हम आपको हमारी बोलते हैं समझो। बकायती ना करिए, हम छाइनी अथॉरिटी साथ रहे हैं। काम बताइए तुमको क्या करवाना है। हाँ आओ चलो चलते। बड़ी बदबू फैला के रखा है तुम्हारे बच्चे ने। मम्मी आ गई, सबको से लाए मेरे लिए। काला है हफ्ते से मैं तुझे खाना चाहिए। ये कौन है? ये मेरा लड़का है। लग तो बाप रहा है तुम्हारा। क्या बात कर रहे हैं? रुको मेरे को तुमने चेकअप करने दो। कमोड की तो पूरी ऐसी तैसी हो गई है बेचारी। क्या कर रहे हैं मेरे लड़के को चेक कीजिए, कमोड क्यों चेक कर रहे हो? कमोड में जान नहीं होती क्या? कमोड इंसान नहीं होता क्या? अंकल कमोड भी इंसान होता है। हाँ बेटा तू चुपचाप बैठा रहे, चेक करने दो मेरे को। तभी मैं कहूँ कल कमोड मुझे कल गुदगुदी क्यों कर रहा था। तो रहे बेटा अभी सुनने दे कमोड की आवाज। ठीक है अंकल सुनो, मुझ भी इंसान होता है, मैं कमोड से बात करूंगा। अंकल क्या बोल रहा है कमोड? तुम्हारे बेटे के बैठने की वजह से कमोड भी कमजोर पड़ गई है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा कमोड को। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप ये? मिस्त्री कमोड तोड़ो। जल्दी तोड़ना कमोड। अबे मर्दाना आ रहा हमसे ज्यादा खुजाओ नहीं, मैं तो छैनी आता रहा तो तुम्हारा मुंह छेद देगा समझाई। अंकल देखना कमोड ही तोड़ना, कहीं मेरी ट्विमर तोड़ देना। अबे तो बैठ तो। मेरा बेटा क्या हुआ था तो बेटा? अंकल धीरे मारो, कमोड भी इंसान है, उसको लग रहा होगा ना, उसके आंसू निकल रहे हैं। अब मन दो बुद्धि, वो आंसू नहीं है, टॉयलेट वाटर है वो। चुप करके बैठना नालायक। अबे जोगनू हमारे पैसे दे। अरे रुको 2 मिनट, मुझे तो पैसे मिलने थे पहले। अंकल अंकल कमोड में बैठे बैठे मेरी टुई सूज गई है। हाँ बेटा मल्लम लिख देता हूँ मैं तेरे। चुप करके बैठने। अरे मल्लम जाए बाहर में, हमारे पैसे दो पहले। अरे चलती फिरती पान की दुकान, 2 मिनट रुक जा, दे रहा हूँ पैसे तेरे को। ये मल्लम है? जी डॉक्टर साहब। अंकल कब लगाने हैं मल्लम? इसको दिन में 6 बार हगने के बाद लगाना है। ओह नो। लेकिन ये तो 12 बार हगने जाता है दिन में। तो 12 बार लगा देना ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। तुम धक्के मार के निकालो इनको। हाँ बताओ क्या हुआ तुमको? डॉक्टर साहब कल जो आपने मुझे इंजेक्शन लगाया था उससे मेरे पैर में रिएक्शन हो गया। दिखाओ मेरे को पैर। अरे रुको क्या हुआ बताओ ना। दर्द बहुत बढ़ गया आपने जो कल इंजेक्शन मारा था उससे। लेकिन यहाँ कैसे दर्द हुआ? मैंने तो कमजोरी का इंजेक्शन लगाया था। तो आपको बताना डॉक्टर मैं हूँ कि आप हो? ऐसा कैसे हो गया यार, मेरे इंजेक्शन से तो बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, देखने दो मुझे। सांस लो सांस। अरे डॉक्टर साहब घुटनों में थोड़ी चेक करते हैं। 2 मिनट चुप करके बैठो, मुझे चेक करने दो। अच्छा क्या बात कर रहे हो? ऐसा ये तो खतरनाक बात हो गई। ये इंजेक्शन का रिएक्शन नहीं है, तुम्हारे घुटने को नजर लग गई है। नजर? किसकी नजर लग गई है?
ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। कल इंजेक्शन लगने के बाद तुम कहीं घूमने गए थे क्या? हाँ, मुझे ट्रेन से रोज नागपुर अप डाउन करना पड़ता है। अभी मेरे को समझ में आया कि तुम्हारे घुटनों को किसकी नजर लगी है। किसकी? तुम ट्रेन में फास्ट चढ़ रहे होगे और किसी के मुंह से निकल गया होगा। अरे बापरे, ये तो बहुत फास्ट चढ़ रहा है, हम तो चढ़ ही नहीं पाए। उसकी वजह से किसी की काली जबान से तुमको नजर लग गई है। अब मैं तुमको इलाज बता रहा हूँ। तुम नींबू और मिर्ची लेना और उसको घुटने में बांध के घूमो। इस घुटने में नींबू मिर्ची? हाँ, घुटने में। इससे तुमको फायदा होगा। और एक काम और करो, तुम अगली बार जब तुम स्टेशन जाओ तो बिल्कुल आराम से चढ़ना, धीरे धीरे चढ़ना। मैं तो बोलता हूँ तुम चढ़ना ही नहीं। क्या मेरा मतलब है? बिल्कुल स्लो मोशन में चढ़ना है। इसे प्लेटफॉर्म पे देखना पहले सब लोग चढ़ गए हैं कि नहीं, और ऐसे जोर से चिल्लाना, अरे कोई है क्या चढ़ने वाला? नहीं है? ठीक है, आप लोग जाओ भाई, मैं भली दूसरी ट्रेन में जाऊंगा, भले तीसरी ट्रेन में जाऊंगा, मैं रात तक यहीं खड़ा रहूंगा, मगर आराम से चढ़ूंगा। फिर अगर किसी के मुंह से निकला कि अरे जल्दी चढ़ो जल्दी ट्रेन छूटने वाली है, तब जाकर के तुम चढ़ना, तब तुम्हारी नजर उतर जाएगी। पक्का उतर जाएगी? अरे उतर जाएगी। अभी मैं चाहता तो तुमको अभी बोल सकता था कि तुमको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, या तो तुम्हारे पैर को कोमा हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको मारने आता, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे आपको मारने का मन ही नहीं कर रहा है। बेटा, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देता हूँ, और जो मैंने बोला है वो करो। डॉक्टर साहब, आराम से आराम से। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ अभी। हवन कर रहा हूँ। क्या क्लिनिक में और क्या करूँगा? अच्छा सुनो ना, मुझे थोड़ा बुखार लग रहा है, पैरासिटामॉल लूं कि ब्रोफेन लूं? पैरासिटामॉल ले लो। नहीं, पर मेरा फेवरेट कलर तो ब्रोफेन है। ओह नो, तो ब्रोफेन ले लो। पर ब्रोफेन तो मुझे नुकसान करती है। तो पैरासिटामॉल ले लो। पर पैरासिटामॉल का कलर नहीं पसंद है मुझे। एक काम करो, दोनों आधी आधी ले लो। अच्छा ठीक है, लेती हूँ, ताकि मुझे कुछ हो जाए और मैं मर जाऊँ, है ना, ताकि तुम अपने उस झुमके तो को निकाल के और दो नर्सें ला लो और सारा दिन उनके साथ गुलछर्रे उड़ाओ। तुम आओ घर, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दी हूँ, आओ। तो पैरासिटामॉल ले लो। तो पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मैं लंबा होता जा रहा हूँ। पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे दस्त हो गया है। पैरासिटामॉल ले लो। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे सात के बाद दिखाई नहीं देता। पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे दाढ़ी नहीं आ रही है, 30 साल का हो गया हूँ पर तभी भी। पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी पेट से है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दीजिए ना। पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे पालतू हो गया है। पैरासिटामॉल ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे गर्मी में बहुत पसीने आ रहे हैं। पैरासिटामॉल ले लो। ठीक है। मेरे आईब्रो बहुत बढ़ गए हैं। पैरासिटामॉल ले लो। पैरासिटामॉल ले लो। अबे डॉक्टर, तेरे पैरासिटामॉल की वजह से मेरी बीवी मर गई। डॉक्टर साहब, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कोमा में हूँ।